मैं सब तो भगवान से ही प्रार्थना है माँ जी की, राधिका को कुछ ना हो। तुम तो यही चाहती थी ना कि ये शादी ना हो। मैं शादी के खिलाफ जरूर थी, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि राधिका के साथ इतना बुरा हो। मैं जानती हूँ अच्छी लड़की है, मैं तो अपने बेटे के लिए चिंतित थी। मैं जानती हूँ अगर राधिका को कुछ हुआ ना तो मेरे को पता है ठाकुर जी, राधिका बहुत दर्द माँ है। उको दर्द से मुक्ति दे दो ठाकुर जी, उको अपने पास बुलाई लो। उन्हें होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। राधिका, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे देखें। राधिका, मेरी तरफ देखो ना, जो कुछ भी कहना मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो। सचमुच चाहती हो कि मैं यहां से चली जाऊं? राधिका, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल ऐसी बात कभी कहना नहीं चाहेगा। मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, किस वजह से कह रही हो, पर राधिका अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली से सबसे बड़े सर्जन की टीम यहां आ चुकी है, वो तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। और जैसे ही तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा ना, तो सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे अपने घर, वहां का सारा इंतजाम मैंने कर रखा है। हेलो मिस्टर देव, आई एम डॉक्टर C.S. वर्मा। विवेक से बात हो चुकी है मेरी जी। ऑपरेट करने से पहले मुझे राधिका को एक बार एग्जामिन करना होगा, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करेंगे? जी। कब तक अपने आप को झूठे दिलासे देते रहेंगे आप? सच वही है जी जो हमारे सामने है। अगर अगर राधिका बच भी गई जी, तो कौन इतनी जली हुई लड़की से विवाह करेगा? और देव बाबू के बारे में सोचिए जी, क्या उनसे ये आशा करना उचित होगा कि इस हादसे के बाद भी वो और राधिका से ब्याह करे? चिंता न करें, राधिका स्वस्थ हो जाएगी, ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। चलिए चलिए।